प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर रविवार को भारतीय वायु सेना के एयर शो में शहीदों को हवाई सलामी दी गई। उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ जवान का बलिदान, इम्फाल में बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 4000 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रविवार सुबह जम्मू के लिए रवाना। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के बाद 12 सड़कों को बंद कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश किए जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ बैठक की और दूर संचार सेवाओं के विस्तार समेत राज्य में विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दो टूक निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गा मार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं।